प्यारे बच्चों हिंदी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय आइए बिना किसी देरी के हम साहित्यिक परिचय पर चर्चा कर लेते हैं देखिए प्रश्न दिया गया है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय लिखिए आप जानते हैं कि तीन से चार अंक का साहित्यिक परिचय साइंस स्ट्रीम के जितने भी बच्चे हैं उन्हें लिखना होता है तो देखिए क्लास ट्वेल्थ के यूपी बोर्ड के जो भी विद्यार्थी हैं उनके हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित गद्य खंड का पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप उसी के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी और इनका साहित्यिक परिचय आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो किस प्रकार लिखेंगे आइए हम देखते हैं आप लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ करके अपनी रचनाओं में योग्यता अनुभव एवं बुद्धि की असाधारण प्रतिभा द्वारा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता की अमित चित्रों को चित्रित करते हुए अनुसंधान की तीव्र प्रवृत्ति का भी अस्पष्टया समावेश कर दिया ये लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे देखिए ये लाइन जरूर लिखेगा कि ये लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के के अध्यक्ष रहे साहित्यिक जीवन में साहित्य साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया था फिर आगे आप लिखेंगे ये भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया इनके लेख अनुसंधान पूर्ण है तथा उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप है अपनी भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों से संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी थे शोध निबंधों की एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया था बस इतना ही आपको लिखना है आप चाहें तो स्क्रीन लेकर रख सकते हैं और उसके बाद आराम से आप साहित्यिक परिचय अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए सिर्फ अस्सी शब्द में आपको लिखना होता है इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना आज के लिए इतना ही फिर से जुड़ेंगे हम एक नए साहित्यिक परिचय को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद महादेव